लिसन टू इट एंड स्टडी एट यू एंड स्टडी एट द सेम टाइम? नो, वही ऑल्सो मिसाल, कैन आई वही कैन आई मिसाल, लिसन माई इनर ट्रेन? नो, वही बात है कि आप अल्लाह के दरबार में जा रहे हो और आप वहाँ किताबें लेके चले जाओ अपनी, आप उसके दरबार में नॉक किया और फिर अंदर एंटर हो गए, वहाँ पे जाके उसके दरबार में, किंगडमशिप में, आपने अपनी किताबें निकाल ली, पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला बोलेगा मेरे पास क्यों वक्त बर्बाद करने आया, वही पढ़। फिर ट्रेन के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हो, सफ़र में हो, मूवमेंट में हो, ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस है, और ये पढ़ने पढ़ाने का रास्ता है। यहाँ पढ़ता हुआ आदमी जो है, अगर वो जानमाज हिल रही है, ज़मीन हिल रही है, शहजाद जैसे की ज़मीन हिल रही है, और अगर इवेंचुअली ये पढ़वाता चला जाऊंगा इसको, अगर जिस तरह ये पढ़ रहा है और इवेंचुअली पढ़वाता, पढ़ता 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 ऐसा होगा कि ज़मीन से मटने लगेगी, फोल्डिंग ऑफ दी अर्थ शुरू हो जाएगी, तय्यल अर्थ करा देते हैं इन वज़ाइफ से, बिस्मिल्लाह से, या लतीफ़ों से, इन वज़ाइफ से। तो उसके अंदर आप वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, यू आर ऑन मूवमेंट, उसके अंदर आप वजीफ़ा कर रहे हो, वजीफ़ा असर नहीं करता। जब भी मैं मना करता हूँ सफ़र में वजीफ़ा ना करें, इस वजह से नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, इस वजह से कि वो इल इफ़ेक्ट पैदा कर देगा। ये चीज़ है, अब समझ में आया? नहीं आ गया है या नहीं? हाँ, ये जी हाँ, दिस इज़ वाई आई से नो, दिस इज़ वाई आई से बैठ के पढ़ो, भले कुर्सी पे बैठ के पढ़ो अगर बीमार हो तो, ठीक है ना?